प्रदेश में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रत्येक जनपद स्तर पर लेखपालों का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस क्रम में आज ललितपुर जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ला द्वारा धरने में शामिल 12 लेखपालों को निलंबित कर दिया गया, साथ ही 16 लेखपालों को नो वर्क नो पे के आधार पर रखा गया। वहीं लेखपाल संघ जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि प्रशासन शासन कुछ भी कर ले, लेकिन अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे कोई भी कार्रवाई की जाए। माननीय अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राजस्व लेखपालों की हड़ताल के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि लेखपालों द्वारा हड़ताल जो है निषिद्ध घोषित कर दिया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में संबंधित नियुक्ति अधिकारी उप जिलाधिकारियों द्वारा जो लेखपालों को हड़ताल के लिए बाध्य कर रहे हैं, प्रत्येक तहसील के अध्यक्ष मंत्री तथा जिले के अध्यक्ष मंत्री 12 लेखपालों को निलंबित कर दिया गया है। और इसके बाद अगर ये लेखपाल हड़ताल पर नहीं लौटते तो कल से इनके ऊपर एस्मा की कार्रवाई के अंतर्गत FIR करा के गिरफ्तारी भी की जाएगी। शासन प्रशासन कोई भी कार्रवाई करे, हम लोग अपने धरने से पीछे हटने वाले अब नहीं हैं, क्योंकि हमारा आंदोलन उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि हमारी अब आर और पार की लड़ाई ही होगी। चाहे हमारे किसी भी साथी के साथ कोई भी कार्रवाई कर ले, हम अपनी 8 सूत्री मांगों से पीछे हटने वाले किसी भी शर्त पर नहीं हैं। कोई भी गिरफ्तारी हो, चाहे कुछ भी कार्रवाई हो, हम लोग अब किसी भी स्तर पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। जब तक हम लोगों की मांगों पर सार्थक पूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं होता है, हम लोग कार्रवाई से कतई डरने वाले नहीं हैं। हमारी 8 सूत्री मांगे हैं शासन स्तर पर पेंडिंग हैं। उसमें प्रमुख रूप से हमारी वेतन विसंगति है, हमारी पदोन्नति का है, हमारी लेखपालों की भर्ती का है, और हमारा ग्रेड पे 2800 किया जाना है, हमारी पेंशन है। शासन हमारी हर साधन में कटौती करता जा रहा है, हमें कोई व्यवस्था देगा नहीं, हम किस आधार पर काम करें, और लगातार हमारे ऊपर बोझ डालते जा रहे हैं।